साइड बैक साइड बैक साइड बैक साइड बैक साइड बैक साइड नीचे भाई 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 बैक साइड बैक भाई 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 हियर 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 आउटसाइड आउटसाइड भाई लोग क्या हाल है आप लोगों के समझ में तो पड़ेगा। गाइस मैं आ चुका हूं अपनी नई वीडियो के साथ, तो मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक और बेल आइकन को दबा देना जिससे आपको न्यू अपडेट मिलता ही रहे। तो भाई लोग हम लोग कूदे पोचिंकी में और पोचिंकी में मुझे यहां से गन शॉट्स आ रहे थे, तो मैं जरा आसपास देखने लगा तो यहाँ पर सामने ही दो बंदे दिख गए। तो एक को तुम्हारा भाई नॉक कर ही देता है और दूसरे को आप ही देखो फिर गेम प्ले में। अब यहाँ पर मेरा थोड़ा सा गेम लैग हो जाता है, तो अब हम लोग थोड़ी सी लूटपाट कर लेते हैं। लूटपाट करने के बाद यहाँ से मुझे गन शॉट्स आने लग जाते हैं, तो मैं ज़रा चेक करता हूँ अपनी साइड वाली बिल्डिंग में दो बंदे होते हैं, तो देखो तुम्हारा भाई कैसे। इन दो बंदों को टपकाने के बाद थोड़ी सी लूट फूट कर लेते हैं और इन्हें लूटने के बाद जाते हैं हम अपने टीममेट के पास गाड़ी लेकर, और वो बंदा गाड़ी में से उतरवा देता है और हमारे नंबर 3 की एचपी बहुत कम होती है। हम लोग फिर से बचाने के लिए पूरा स्मोक ही स्मोक कर देते हैं, वो बंदा पता नहीं कहाँ होता है। हमने पूरी स्मोक वॉल कैसी कम तैसी कर दी और स्मोक वॉल करके हम इसे रिवाइव कर देते हैं। फिर जो वो बंदा है उसकी हम देखो क्या हालत करते हैं जिसने इसे नॉक किया। मतलब कि मैं यहाँ से जैसे ही कूदा मेरे पे उजी का फायर आ गया और बंदे ने मेरी इतनी कम एचपी छोड़ दी। नंबर 3 उस पर सीधा चढ़ चुका था, वो बंदा अब जंप करके भाग जाता है पता नहीं क्यों, बट बाद में मेरा गेम लैग हो जाता है इसलिए मैं मर जाता हूँ। अब आप ही देखो कैसे। उस बंदे को फिनिश करने के बाद पीछे से गन शॉट्स आ रहे थे, तो हम लोग जाने लगे वहीं पर ही, और वहीं पर एक गाड़ी भी थी और सामने ही यहाँ पर मुझे एक सांप का बच्चा दिख जाता है। देखो कैसे ओपन में लेटा है ये। तो इसे टपकाने के बाद हम लोग सीधे स्क्वाड हाउस की तरफ जा रहे होते हैं, इतने में मुझे एक बंदा कूदा हुआ दिख जाता है, तो उसको मैंने बहुत सारा स्प्रे दे दिया बट फराज ने लास्ट गोली मार कर किल ले लिया। तो हम भी भागे भागे जा रहे होते हैं उसके पास, बट थोड़ी सी लूटपाट ज़रूरी होती है। फिर आगे यहाँ पर बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, तो आप ही देखो। लेट कर रहा हूँ मैं, वो नीचे गिर गया, नेट पास मत जाइयो, नेट तो नीचे ही पड़ा है। गाड़ी नॉक, एक बंदा नॉक, तो फराज ने एक बंदा नॉक कर दिया, तो हमने सोचा डायरेक्ट रश करने का, तो तुम्हारा भाई ने सीधे एक छलांग मारती हुई पहुंचने लगा। तो फराज पीछे पीछे आ रहा था और इतने में ही मुझे एक बाइक दिख जाती है, बाइक के चक्कर में मुझे सांप नॉक कर देता है। वो सामने देखो बाइक जा रही है, उसको मैं मार्क कर देता हूँ और इतने में ही मेरे को नॉक कर दिया जाता है। फिर अपने टीममेट का इंतजाम किया, टीममेट से बचाएंगे और वो गाड़ी डायरेक्ट अपने पास ही आती है, बाइक। फिर हम लोग जरा राउडी बन जाते हैं क्योंकि ओपन में रिवाइव ले रहे हैं। फराज भी एक और नॉक करते हैं, फिर एक को हम फुल्ली डैमेज कर देते हैं और नूबरू हमारा किल चुरा लेता है। और
यहाँ से हमें गन शॉट्स आ रहे थे तो हम लोग डायरेक्ट रश करने पहुँच गए। एक को मैं नॉक कर देता हूँ और हमारे दूसरे को फराज भैया कवर फायर देते हैं, तो देखो कैसे। किधर किधर मार, मार्क द लोकेशन। यहाँ पर हम लोग थर्ड पार्टी करने आते हैं लेकिन एक स्क्वाड भाग जाती है, लेकिन वो बाद में हमसे पिटती है। यहाँ पर हम लोग एक स्क्वाड का बढ़ता बनाते हैं और देखो कैसे ये चारों के चारों बंदे कैंप करने लग जाते हैं घर में। देखते रहो। इस स्क्वाड को वाइप करने के बाद एक लाइक तो बनता ही है भाई लोग। और यहाँ पर हम आ जाते हैं फिर बंदों से फाइट लेने। तो यहाँ पर एक बंदा बालकनी में रहता है हमारे फराज भाई, एक एचपी बिल्कुल बर्न कर देता है। हम भी थोड़ा सा उसको कर देते हैं डैमेज। और यहाँ पर हमारे नंबर टू भैया वैम्पायर भाई टपकने वाले टपक जाते हैं, तो देखते रहो। मैं हेल्थ रिकवर कर लूं भाई, जरा देखते रहो, मुझे कवर दियो। ओपन में तो दो सांप बन के बैठे हैं, तो तुम्हारा भाई फराज तो एक बंदा नॉक कर देता और फिर तुम्हारे भाई ने एक बहुत गंदा वाला हगा, तो स्प्रे तो बहुत टट्टी बन गया मेरा। फिर थोड़ी सी देर में इन्हें ख़त्म करने के बाद मुझे एक ओम का पटका पड़ जाता है, तो मैं हील होकर पीछे से दो बंदे भाग रहे होते तो उनवाने के लिए उन्हें स्प्रे देते हैं तगड़ा वाला। यहाँ पर अपन हील होता है और सीधा फिर स्प्रे देते हैं दो बंदे। ये स्प्रे को ज़्यादा अच्छा गया नहीं और फराज भैया को एक और आम का चस्का पड़ जाता है, तो उनकी एचपी हो जाती है डाउन। वो बंदा लेटा होता है घास में गिली सूट पहनकर, तो देखते रहिए केवीएस गेमर। मुझे एंट्री का और करने दे यार, भाई पीछे लेटा है भाई, मेरी हेल्थ देख कैसे करती है। भाई मुझे नहीं पता ये बंदे इतना पेशेंस कैसे रख रहे थे, तो भाई गिली सूट पहन के बंदा दिख भी नहीं रहा और फिर थोड़ा सा वो मूव हो जाता तो थोड़ी सी नज़र पड़ती है, बट इग्नोर कर दिया जाता है उसको। फिर मैं ऐसे थोड़ा बहुत घूम रहा था, फ्री फायर दे देता है, फिर क्या, फिर तुम्हारे भाई ने उसका कर दिया काम। भाई ये जो सर नाक में दम करके बैठा था ना भाई, बहुत देर तक। फिर हम लोग सीधा जोन में निकलते हैं। यहाँ पर तीन बंदे बाकी होते हैं, मतलब ट्रियो, तो भाई पूरा का पूरा मज़ेदार फाइट होने वाली है। तो ये एक बंदे का अपार्टमेंट होता है स्कूल के, तो तुम्हारा भाई सीधा स्कूल के स्प्रे देता होगा, तो मुँह देखते रहता। और पीछे से हमारे भैया को नॉक कर दिया जाता है और बंदे मेरे रिलोड नहीं थी गन, तो इसकी वजह से डैमेज नहीं पड़ा। तो मैं नेट फेंकता हूँ, पता नहीं उनके नेट क्यों नहीं लगता, या फिर डैमेज तो पड़ता ही होगा। फिर तुम्हारा भाई भी हील होता है, फिर अपने फराज भैया को भी रिवाइव दिया जाता है, एक और नेट डाल देते, फिर फराज भैया को रिवाइव दे दिया जाता है। फिर रिवाइव देने के बाद भैया जी वो बंदा भी नेट कर देता, तो मैंने बोला भैया डायरेक्ट रश करने का इरादा है तो पूरे जगह स्मोक बना दो जिससे उनका एम ब्लॉक हो जाए। तो हम लोगों ने पूरी जगह स्मोक स्मोक कर दिया। देखो
मैंने कर निकाला स्मोक, ये एक स्मोक इधर फेंका, एक स्मोक उधर, और अब आ गया। आप देखो क्या हाल होता है बंदों का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, इस वीडियो को लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना जिसको आपको न्यू अपडेट मिलता रहे। और गाइज ऐसे सपोर्ट करते रहो, तुम्हारे भाई की वीडियो आती रहेगी। जाओ और सब्सक्राइब का बटन दबाओ।